नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्सअप नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की ओर से कैंसिल की गई ट्रेनों के बारे में। दक्षिण मध्य और सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की है कि उसने 28 अप्रैल से 1 जून के बीच चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते ट्रेनों में कम यात्रियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दरअसल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या इसीलिए भी कम है क्योंकि वायरस के प्रसार की जाँच करने के लिए कई राज्यों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के एक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक रेलवे कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्रियों के कारण 40 रेल सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कितनी ट्रेनें रद्द हुई है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कहां से ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाने वाली ट्रेनें कैंसिल हुई है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों, जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है वो इस प्रकार है। जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर मंगलवार से न तो दिल्ली आएगी और न ही जाएगी। अधिकारी के मुताबिक इसके अलावा बठिंडा लालगढ़ स्पेशल, लालगढ़ से अबोहर स्पेशल, अबोहर से जोधपुर स्पेशल, जैसलमेर से लालगढ़ स्पेशल, भिवानी से मथुरा स्पेशल व श्रीगंगानगर से रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल है। ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनें इस प्रकार है। ट्रेन नंबर 02109 और ट्रेन नंबर 02110 मुंबई मनमाड़ मुंबई स्पेशल 27/4 से 10 मई तक। ट्रेन नंबर 02015 और ट्रेन नंबर 02016 मुंबई पुणे मुंबई स्पेशल 27/4 से 10/5 तक। ट्रेन नंबर 02113 पुणे नागपुर त्रि साप्ताहिक स्पेशल 28/4 से 10/5 तक और ट्रेन नंबर 02114 नागपुर पुणे त्रि साप्ताहिक स्पेशल 27/4 से 9/5 तक। ट्रेन नंबर 02189 मुंबई नागपुर स्पेशल 28/4 से 11/5 तक और ट्रेन नंबर 02190 नागपुर मुंबई स्पेशल 27/4 से 10/5 तक। इसके बाद ट्रेन नंबर 02207 मुंबई लातूर 4 डेज वीकली स्पेशल 27/4 से 10/5 तक और ट्रेन नंबर 02208 लातूर मुंबई 4 डेज वीक स्पेशल 28/4 से 11/5 तक। उसके बाद ट्रेन नंबर 02115 मुंबई सोलापुर स्पेशल 28/4 से 11/5 तक और ट्रेन नंबर 02116 सोलापुर मुंबई स्पेशल 27/4 से 10/5 तक। इसके बाद ट्रेन नंबर 01411 मुंबई कोल्हापुर स्पेशल 28/4/21 से 11/5/21 तक और ट्रेन नंबर 01412 कोल्हापुर मुंबई स्पेशल 27/4/21 से 10/5/21 तक। ट्रेन नंबर 02111 मुंबई अमरावती स्पेशल 28/4/21 से 11/5/21 तक और ट्रेन नंबर 02112 अमरावती मुंबई स्पेशल 27/4/21 से 10/5/21 तक। इसके बाद ट्रेन नंबर 02270 वही मुंबई जालना स्पेशल 27/4/21 से 10/5/21 तक और ट्रेन नंबर 02272 जालना मुंबई स्पेशल 28/4 से 11/5 तक। ट्रेन नंबर 02043 मुंबई बिदर त्रि साप्ताहिक स्पेशल 28/4/21 से 8/5/21 तक और ट्रेन नंबर 02044 बिदर मुंबई त्रि साप्ताहिक स्पेशल 29/4/21 से 9/5/21 तक। ये सभी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। तो ये सारी ट्रेनों की लिस्ट ही दोस्तों सेंट्रल रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनें। और इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा रद्द की गई सेवाएं, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। तो उस ट्रेन की लिस्ट में आती है नरसापुर से निदादा वोलू ट्रेन नंबर 07241, निदादा वेलू से नरसापुर ट्रेन नंबर 07242, सिकंदराबाद से बिदर ट्रेन नंबर 07010, निदर से हैदराबाद ट्रेन नंबर 07009, सिकंदराबाद से कुरनूल सिटी ट्रेन नंबर 07027, कुरनूल सिटी से सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 07028,
ट्रेन नंबर 01065 मैसूर से रेनीगुंटा, रेनीगुंटा से मैसूर ट्रेन नंबर 01066, सिकंदराबाद से मुंबई LTT ट्रेन नंबर 02235 और मुंबई LTT से सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 02236। इसके अलावा ACR ने तिरुवनंतपुरम से सिकंदराबाद के लिए ट्रेन नंबर 07229 के प्रस्थान समय को भी रद्द कर दिया गया है। ट्रेन 28 अप्रैल से 12 मई तक तिरुवनंतपुरम से सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों कैंसिल हुई ट्रेनों के बारे में। यदि आपने इनमें से किसी भी ट्रेन में टिकट करवा रखा था तो आपको घर से निकलने से पहले एक बार अपनी अपनी ट्रेन के नंबर के हिसाब से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के काल में ट्रेनों के संचालन में बहुत ही उलटफेर हो रहा है। तो इसी वजह से आपने जिस भी ट्रेन में जाने के लिए टिकट कंफर्म करवा रखा हो तो आप एक बार पहले उसको चेक कर ले, उसके बाद ही घर से निकले तो अच्छा रहेगा। और ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।